नमस्कार, आप सुन रहे हैं झाड़वाब डॉट टीवी का डिजिटल रेडियो कार्यक्रम, जिसमें आप सप्ताह भर की खबरों से वाकिफ हो सकते हैं। यह रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, मगर आप इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। आज के इस साप्ताहिक अंक में सबसे पहले रुख करते हैं 6 जुलाई का। 6 जुलाई को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक में गुरु शिष्य परंपरा अंतर्गत प्रशिक्षण नियम 2021, कोविड-19 संबंधित कार्यों से जुड़े प्रतिनियुक्त एवं आउटसोर्स कर्मियों को 1 माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि, कोरोना से उपजे हालात में बिना उपयोग वाले अंतर्राज्य तथा समस्त मंजिली वाहनों को रोड टैक्स में देर पर जुर्माने से राहत, कोविड अस्पतालों हेतु हेल्थ केयर प्रोफेशनल को 6 माह के लिए अनुबंध पर रखे जाने सहित कुल 6 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। 8 जुलाई की बात करें तो इस दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। दूसरी ओर 8 जुलाई को ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी शशि प्रकाश सिंह ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों को लेकर मंत्रणा की और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रचार प्रसार ससमय सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देने की बात कही। अब 9 मई का रुख करते हैं। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में उद्योग विभाग के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव सहित कई वरीय पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग के कार्यों की प्रगति, योजनाओं तथा क्रियान्वयन संबंधित विषयों पर जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। वहीं 10 जुलाई की बात करें तो राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2021 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मछली उत्पादन से जुड़ी कई योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसमें मत्स्य प्रसार, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र रांची में नवनिर्मित छात्रावास एवं व्याख्यान कक्ष एवं दुमका में नवनिर्मित खुदरा मत्स्य बाजार का उद्घाटन शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्याप्त संसाधन है, मछली उत्पादन की मात्रा से अधिक यह मायने रखता है कि इससे व्यापक स्तर पर लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम ने राज्य हित में चल रहे सरकारी प्रयासों से भी राज्यपाल को अवगत कराया। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड डॉट टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो। नमस्कार।